खबर नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर रेल परिवार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी और रेलवे स्टाफ से डॉक्टर साहब ने संचालन करते हुए बाबा साहेब अम्बेडकर जी कार्यों के उद्बोधन किया और उनके जैसे ही मार्ग पर सबको मिलकर एकजुट होकर चलने को कहा। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन परिचय और उनके द्वारा किए गए कार्यों के विषय में बताया गया। साथ ही बाबा साहेब द्वारा रचित संविधान और दलित वर्ग के अधिकारियों की लड़ाई लड़ने के विषय में भी बताया गया। जिन्होंने सबके लिए एक समान होना के लिए, चाहे औरत के लिए हो, आदमी के लिए हो, शिक्षा के लिए हो, हर कदम बच्चों के लिए हो, बालश्रम के लिए हो, उन्होंने सभी प्रकार से हमारे देश को नया दिशा दिए। हम उसका हमेशा रेडी रहेंगे। हम उसके बताए मार्गों में चलेंगे और हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे। यही सच्चे भाव से हमारा श्रद्धांजलि है। हम पूरा रेल परिवार की तरफ से बाबा जी को श्रद्धांजलि देते हैं और कामना करते हैं कि ईश्वर उसके आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और हमेशा हमें एक अच्छे मार्ग के लिए, अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा देते रहे। खबर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर से प्रहलाद प्रजापति की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।